हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस, आज है 11 जून और अभी आधा घंटा पहले ही मैं आई हूँ अपने ससुराल। आप बेड देख के समझ गए होंगे मेरा बेड है। तो गाइस, मैं अभी ससुराल वापस आ गई हूँ और आना तो मेरे को संडे को था, बट मैं फिर किसी वजह से रुक गई थी और आज आई हूँ। आज है ट्यूसडे और लो पहले इनसे ही मिल लो। ऐसे नहीं, हेलो करो, ऐसे जय जय करो, जय 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 जय। सो गाइस, मुझे आए हुए एक दो घंटे हो गए हैं अभी, और अभी जस्ट मैंने किचन वगैरह क्लीन करी है और थोड़ा उधर का रूम थोड़ा साफ करा। एक्चुअली मम्मी पापा भी घर पे नहीं है फिलहाल, कोई नहीं है, हम ही है बस, मैं और बच्चे, और इनके पापा गए हैं ऑफिस और इनके दादू और दादी गए हैं हरिद्वार। तो मतलब दो तीन दिन से ना घर बंद ही था, मतलब इनके पापा थे यहाँ पे लेकिन वो ये सुबह डांस का, तो यार सुबह ऑफिस गए, अपना आए, खाना खाया और सो गए, है ना। सो गाइस, अभी बस थोड़ा घर मैसी हुआ है, मैंने अभी किचन क्लीन करी और हाँ, इनके लिए दूध भी लेके आई रास्ते से, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए, गर्मी बहुत थी तो सूट उतार दिया और ये डाल लिया। मैंने आने का व्लॉग नहीं बनाया गाइस, मतलब ठीक है यार, मन सही नहीं करा ऐसे बनाने का। और तो चलिए गाइस, आना तो था ही यार, क्योंकि ट्यूशन की छुट्टियां काफी हो रही थी इनकी, इसीलिए तो बस अब सारा क्लीन वगैरह करती हूँ, फिर इनका सोने का टाइम होगा, फिर इनको सुलाऊंगी। मैं सोच रही हूँ सोने से पहले सारा काम कर दूँ, मतलब थोड़ा तो मैंने घर सिंगवा दिया है, और सोच रही पोछा लगा दूंगी, झाड़ू पोछा भी करना है क्योंकि अभी, तो देखती हूँ वो भी करती हूँ, डस्टिंग वगैरह भी, क्योंकि ना डस्ट बहुत आई हुई है कमरे में, तो वो भी करते हैं। तो चलिए गाइस, ये वाला व्लॉग पूरा एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, अभी ये दो बैग भी जो मेरे को अनपैक करने हैं, इनको भी थोड़ी देर में करूँगी, या कपड़े रखे हुए हैं जब मैं गई होंगी तब धो के रखे होंगे ना, तो वो है। और अभी देखो रूम की कुछ हालत ये हो रही है, पूरा रूम फैला पड़ा है, सामने टेबल की हालत कुछ ऐसी है, सारा मैस, मतलब पता नहीं क्या क्या पड़ा है, सब साफ करना है, डस्टिंग करनी है, देख रहे होंगे डस्ट काफ़ी है। और हॉल दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये तो अभी डाला है। खैर, किचन मैंने थोड़ी साफ कर दी, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, जो इधर बाहर बर्तन रखे हुए धुले हुए वो लगा दी, टोकरे के बाद में लगा दूंगी। ये देखो क्लीनिंग कर रही है मेरे साथ और टेबल सारी क्लीन कर दी, उधर रूम का सारी बेडशीट वगैरह फैली पड़ी थी वो सारी सही से करी, इधर सोफे के कवर सही से करे, और इस रूम का तो पूछो ही मत, यहाँ का तो बुरा हाल है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ है, स्टोर रूम में आ गए, ये आते खेलना शुरू कर दिया इसने तो। यहाँ पे कपड़े पड़े हैं धुले हुए पता नहीं कब के, ये भी तय करना। तो गाइस देखो, मैंने दोनों बैग कर दिए खाली, बस ये कपड़े रह गए लगाने। सो फ्रेंड्स देखो, झाड़ू लगा दी मैंने सारे में, और कितनी गंदगी निकली आज, कई दिन में आई थिंक 3 दिन में झाड़ू लगी आज घर में, और देखो कितना कूड़ा है। तो गाइस, पेड़ों को भी पानी दे दिया मैंने, सारे सूखे पड़े थे, सारा इसे धो दिया, सारे पेड़ों में पानी डाल दिया, दिख रहा है ना। हाँ, दोनों भी खड़ी हो गई आके हैं। अभी नहाना नहीं है बेटा, रुक जाओ, नहाना नहीं है, नो नो, सुबह नहा लिए ना। सो गाइस, अभी बजे 2 और देखो रिद्धि सिद्धि को ना मैंने सुला दिया है, देखो कूलर चला दिया, एसी की जरूरत तो थी नहीं, कूलर ठंडी हवा दे रहा है इसलिए दोनों को सुला दिया मैंने, और अपने और सक्षम के लिए मैंने बना ली है
अपने सक्षम के लिए मैंने बना ली उड़द दाल की खिचड़ी, तो ये खाएंगे लंच में। तो चलिए गाइस लंच वंच कर लेते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको इवनिंग में जब इनके पापा आएंगे ना, तब दिखाऊंगी आपको कि बच्चे कितने खुश होंगे। सो गाइस अभी बजे शाम के 5 और मुझे लग गई थी भूख, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ मीठी सेवैयां। और गाइस इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। और यार बहुत अच्छी लगती है, छोटी मोटी भूख के लिए अच्छा है। और इसमें मैं मीठी की जगह खांड का यूज़ करती हूँ, तो वो हेल्दी भी रहती है। दूध है तो दूध तो कोई दिक्कत ही नहीं है घर, और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं, तो यार ये बहुत अच्छी बनती है। पहले अच्छी नहीं लगती थी मेरे को, पर अब अच्छी लगती है। तो बस ये बना रही हूँ मैं अपने लिए। और सक्षम गया हुआ ट्यूशन, उसको मैं छोड़ी आई थी, इन्हें टीवी में लगा के गई थी, और अब फिर बस ले जाने वाला टाइम हो रहा है, उसको लेके आने का टाइम हो रहा है। तो बस अब थोड़ी देर में से खा के फिर मैं उसको लेने जाऊंगी, ठीक है ना। और इनके पापा भी 7 बजे तक आ जाएंगे, फिर दिखाऊंगी कि इनको कैसा लगेगा पापा से मिलके। और आई थिंक मेरे ख्याल से शायद 2 हफ्ते से ऊपर टाइम हो गया है पापा से मिले हुए बच्चों को। सो गाइस देखो पापा आ गए बच्चों के। चलो पापा आ गए, सिद्धि आ जाओ, पापा आ गए, चलो 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 पापा आ गए, पापा आ गए, आ जाओ बच्चे आ गए, आ जाओ आ जाओ, पापा आ गए, बोलो पापा, बोलो पापा, बोलो पापा, सिद्धि पापा बोलो, बोलो आवाज़ आ, बच्चे वेट कर रहे थे, आ गए। अभी नीचे ही है, हग कर लो हग। ओए होए पापा और बच्चों का प्यार, कौन आया रिद्धि सिद्धि, कौन आया छोटी वाली, तो चमची है पापा की, बग्गी बग्गी बग्गी, पापा का चमचा है, चमचा पापा का, ये पापा की चमची है छोटी वाली सिद्धि। रिद्धि आप भी प्यार कर लो पापा को, आ जाओ, शर्मा रही रिद्धि, शर्माती है, ये देखिए देखिए देख, ओहो हो ओहो, कहाँ है पापा, ओए होए होए रो रही है क्या ये सक्षम, बोल रहा था वहां पर तो मैं